Panda. I got broads in Atlanta. Sister go lean the fan. तो फाइनली आप लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे चिमनी के पास पहुँच चुके हैं, और आइए मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ। और ये साइड में आप लोग देख रहे होंगे तो साइड में लगाया गया हुआ ये ट्रैक्टर और गाड़ी खड़ा किया गया है, और आपको सामने यहाँ पे मुर्गा दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं सब मुर्गा, पर अभी तो इस समय जो माहौल चल रहा है इनकी थोड़ी भी इज्जत नहीं होती है। बहुत अधिक लोग इस समय यूपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या पूरे इंडिया में कहें तो, मांस मछली खाने में। अभी सामने आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये यहाँ पे ईटा यहीं पे बनता है, और ये आप लोग देख लीजिए एक बार, यहाँ पे ये ऐसे मेन गेट है, इसका होल आपको दिखाई दे रहा होगा सामने इधर। इसी होल से अंदर से पूरा ईटा निकाला जाता है, और आगे भी एक होल दिखाई दे रहा होगा। और ये इधर सामने देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा है, और कुछ यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखा गया है। आप लोग देखेंगे तो टायर भी है यहाँ पे, और इस समय तो बरसात का महीना है, सो यहाँ पे काम हो नहीं रहा है। नहीं तो यहाँ पे हमेशा मजदूर लोग रहते हैं लोग, और वो काम करते हैं लोग, ये चिमनी से हमेशा काम चलते रहता है। तो अभी इस समय यहाँ पे उतने लोग मौजूद नहीं हैं, तो आइए मैं आपको सीधे चिमनी के पास ले चलता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कौवा और मुर्गा, काफ़ी सारे पंछी भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप लोग आएंगे तो अगर जब काम चलता है तो यहाँ पे आपको आने अलाउ नहीं रहेगा, क्योंकि जो आग का भट्टी रहता है वो पूरा जलते रहता है। और यहाँ पे एक छोटा सा घर है जिसमें यहाँ के काम करने वाले कुछ लोग जो होते हैं वो रहते हैं। आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये फाइनली एकदम चिमनी के एकदम पास में हम लोग आ चुके हैं, एकदम करीब में। और आप लोग देखेंगे तो काफ़ी ईंट बना करके भी वहाँ पर रखा गया है, पर चारों तरफ अभी पानी लगा हुआ है, ये बरसात का मौसम है जिसके वजह से। तो आप लोग देख लीजिए एकदम चिमनी के पास से लगभग 100 फुट से अधिक इसका हाइट होगा। एकदम आप पास में आते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पे। वैसे तो मैं अपनी लाइफ में पहली बार यहाँ पे आया हूँ। आप लोग में से कोई अगर गया हो चिमनी पे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। और ये जो आप इस समय देख रहे होंगे जिस पे हम लोग चल रहे हैं, इसके नीचे पूरा आग का भट्टी रहता है, और इस पे जाने अलाउ नहीं रहता है, तो काफ़ी रिस्क रहता है यहाँ पे आने पे। अभी तो यहाँ पे काम बंद है तो हम लोग आए हैं, और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा चिमनी, देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। और ये जो नीचे है आप लोग ये देख रहे होंगे, ये राबिस कहते हैं इसको, और ये काफ़ी रोडों में भी डाला जाता है, और उधर कोयला और लगा होगा। और वो जो आपको घर दिखाई दे रहा होगा, इसमें यहाँ के काम करने वाले रहते हैं लोग। ये जो इनका घर है केवल ईंट से ही बना है, कुछ सीमेंट इसमें नहीं लगाए, ऊपर केवल का ट्रेन लगा देते हैं लोग। तो इसके साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी देख लीजिए इधर कितना सारा मिट्टी डाला गया है अभी ईंट बनाने के लिए, पर इस समय बरसात की वजह से काम रुका हुआ है। तो हवा तेज़ होने के कारण दोस्तों हम लोग आपको वॉइस ओवर करके दिखा रहे हैं। आप लोग सामने ये देख लीजिए एक बार फिर से, चिमनी है यहीं पे, सारा ईंट बनता है। कभी भी आपने देखा होगा जब आप रोड से दूसरे तरफ जाते हैं तो सामने से आपको दिखाई देता होगा, पर हम लोग यहाँ पे आए हैं लाइव आपको दिखाने के लिए। तो आइए आगे आपको ले चलता हूँ। और एक भाई हैं जिनका इंटरव्यू होगा, तो उनमें वो बताएंगे, छोटा सा इंटरव्यू होगा 1 या 2 मिनट का, तो उसमें वो यहाँ का फैक्ट जो है वो बताएंगे। तो आप लोग भी लाइव देखिए, आइए ले चलता हूँ। हमारे सामने यहाँ पे एक भैया बैठे हुए हैं, इनसे मैंने बात किया तो इन्होंने बोला कि मैं आपकी हेल्प करूँगा और बताऊँगा इससे फैक्ट कुछ रिलेटेड जो बातें हैं। तो इनसे बात भी किया मैंने, अभी से आपके सामने कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। तो भैया आप बता दीजिए कि कितने लोग लगभग इसमें काम करते हैं? लगभग 100 से 150 लोग यहाँ। तो बता रहे भैया कि जब सीज़न चलता है, अभी तो इस समय आप लोग देख रहे होंगे बरसात का माहौल है, जब चिमनी चलता है सीज़न जब रहता है इसका, तो इसके रोज़गार जुड़ा हुआ है। लगभग 100 से 150 आदमी यहाँ पे वर्क करते हैं, और लगभग कितनी ईंट निकल जाते होंगे एक सीज़न में यहाँ पे? 2.5 लाख से 3 लाख, 30 लाख। तो भैया बता रहे हैं कि करीब 25 लाख से 30 लाख के बीच में लगभग ईंट यहाँ से प्रोडक्शन हो जाता है हर साल। तो यहाँ पे काफ़ी लोग का रोज़गार भी जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी लोग मतलब ईंट यहाँ काम भी करते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारा ये जो वीडियो है ब्लॉग का यहीं पे कंप्लीट होता है, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय श्री।